नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सिर्फ एक दीपक से, सिर्फ एक आटे का दीपक जो चार बत्तियों का दीपक होता है, उससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, ये उपाय बहुत ही कारगर है। मुझे किसी ने बताया था और इस उपाय को मैंने किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर रहा। हर मनोकामना को, हर इच्छा को पूरा करने के लिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो क्या है ये उपाय, चलिए आपके साथ में शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है आटा। ठीक है, आटा जो घर में नॉर्मली यूज होता है, गेहूं का आटा, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, एक लोई बराबर का। और उसमें आपको डाल लेना है चुटकी भर हल्दी। ठीक है, चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए और उसमें डाल लीजिए एक लौंग, खड़ी लौंग ले लेना है आपको। चुटकी भर हल्दी और एक लौंग डाल के इस आटे को आप गूंथ लीजिए। गूंथने के बाद में अब आपको इसका दीपक बनाना है। दीपक बनाना है आपको इसके चार बत्ती वाला, ठीक है, चार कोने वाला। किस तरह का दीपक बनेगा ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का दीपक आपको बना लेना है। अब इसमें आपको डालना है चमेली का तेल। ठीक है, चमेली का तेल, चमेली का तेल आप डाल लेंगे और साथ में इसमें एक रुई की बत्ती डाल लें। अब इसे आपको मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में आपको इसे जला के आना है। ठीक है, लगातार आपको 5 मंगलवार तक इस उपाय को करना है। ठीक है, चमेली के तेल का दीपक, आटे में हल्दी और लौंग डाल के आपको दीपक बनाना है। उसमें ले लेना है चमेली का तेल और इस दीपक को आपको लगातार 5 मंगलवार तक किसी भी बालाजी के मंदिर पर जलाकर आना है। जलाते समय आपको मन में अपनी प्रार्थना कहनी है भगवान को, आपको जो भी आपकी इच्छा है वो आपको भगवान से कहनी है। और कहने के बाद में हाथ जोड़ के अपना सिर नमाकर वहां से वापस आ जाएं, पलट के बिल्कुल भी ना देखें। ये उपाय आप लगातार 5 मंगलवार तक करें, आप देखिए आपको चमत्कार जैसा महसूस होगा, चमत्कार जरूर होगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण हो जाएगी और ये मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा दावा भी है। कीजिएगा आप। और हाँ, एक और बात, अगर आप इसके बीच में, 5 मंगलवार के बीच में अगर आपका कोई मंगलवार छूट जाता है तो आप फिर गिनती फिर से शुरू करेंगे। मतलब बीच में आपको खंडित नहीं होने देना है, लगातार करना है। अगर बीच में छूट जाता है तो फिर से एक से शुरुआत होगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें कि लगातार करें और आपकी इच्छा जो भी है वो दीपक जलाते समय मन में भगवान के सामने रखते जाए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये जो उपाय है ये बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है, इसे करिएगा जरूर। फिर आपको क्या रिजल्ट मिलता है मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह के कई सारे उपाय आपको आए दिन मिलते रहते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।